हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू वाईफाई इंटरफेस या किसी भी नेटवर्क इंटरफेस को कैसे आप डिसेबल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पे हमारे पास तो सिंपल सा ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। अगर मैं इसको यहाँ से अभी ऑन है ऑफ़ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करूंगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से डिसेबल हो जाए। तो हम ये कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं, ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, लेकिन फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना आपको कमांड प्रॉम्प्ट रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके ही रन करना, क्योंकि ये जो कमांड मैं आपको बताऊँगा ये तभी वर्क करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो आपके सामने जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मैं अपने केस में विंडोज़ का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास इंटरफेस कुछ ऐसा आ रहा है। तो चलिए इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें कमांड को एंटर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कमांड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा नेट एस एच। आपको क्या करना है, इंटरफेस जो है शो करवाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, आगे कमांड लिखेंगे शो इंटरफेस। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सिस्टम पे जो जो नेटवर्क एडेप्टर हैं उनका लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी और उनका स्टेट भी यहाँ पे दिख जाएगा कि वो इनेबल है या डिसेबल। कनेक्शन स्टेट में आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। इंटरफेस का नेम जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको इनेबल और डिसेबल कैसे करना है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लिखना है नेट एस एच इंटरफेस, क्योंकि हमें इंटरफेस जो है इनेबल डिसेबल करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट इंटरफेस, क्योंकि हमें इंटरफेस जो है इसको बताना पड़ेगा। तो इंटरफेस का आपको नेम देना है, तो हम किसको डिसेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनेबल है, इसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। ये कौन सा है, वाईफाई। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा वाईफाई अभी कनेक्टेड है, यहाँ पे वाईफाई शो कर रहा है। अभी यहाँ से इसका ऑप्शन डिसेबल करना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं इस नेटवर्क इंटरफेस का नेम दूंगा। इंटरफेस नेम आप यहाँ से लिख के लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे में है वाईफाई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाईफाई स्पेस। अब आपको बताना है कि इसको इनेबल करना है डिसेबल, तो हमारे केस में ये इनेबल है तो इसको हम करेंगे डिसेबल, डी आई एस ए बी एल ई, ठीक है, डिसेबल कर देंगे और कर देंगे एंटर। ये कमांड जो है बिल्कुल थोड़े से टाइम लेगी, 4 से 5 सेकंड, और डिसेबल कर देगी। तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई है और इसने इसको डिसेबल कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए ऑप्शन यहाँ से वाईफाई का जा चुका है। अगर आप इसके नेटवर्क इंटरफेस को शो करेंगे तो आपको यहाँ पे वाईफाई का स्टेट जो है डिसेबल दिखेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अब बात रही कि हमने डिसेबल तो कर दिया, तो भैया अब हम इनेबल कैसे करेंगे, तो ये भी बात है। तो कुछ नहीं करना, इसी कमांड को आपको रिपीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, डिसेबल की जगह लिख देना है आपको इनेबल, ई एन ए बी एल ई। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो देखिए एग्जीक्यूट हो गई है और वाईफाई जो है हमारा इनेबल हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेक्शन में तो यहाँ पे देखिए वाईफाई जो है मेरा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी भी नेटवर्क एडेप्टर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, चाहे तो आप इथरनेट, ठीक है, किसी भी नेटवर्क एडेप्टर को आप जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सभी ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया था, फॉलो कर लीजिए, मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।